मैं जब लगी नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे अब हमारी बेटी की शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। और ये जो पुतला बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए? दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकालो इनको। सारे ख्वाब टूट गए। ओ, एक सेकंड। किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा है आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? और ये जो आपने बनाया है पुतला, किससे पूछ के बनाया? इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, या फिर इन बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है? हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं, हालचाल पूछने आए थे ना। मैं जानता हूं पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए वैसे के वैसे, ले जाइए, आइए ले जाइए।